फैमिली सभी को मेरा नमस्कार। तो आज का ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ये ब्लॉग मैं अभी जो बोल रही हूँ मैं आज बना रही हूँ, पर ये ब्लॉग रक्षाबंधन स्पेशल का है जो कल बीत चुका है। वो सारे जो जितना भी मैं ब्लॉग बना पाई हूँ वो सारे मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ब्लॉग में। तो ब्लॉग को एंड तक जरूर देखिए। अगर आपको ब्लॉग मेरा अच्छा लगता है तो प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर कीजिए, बहुत सारा अपना प्यार दीजिए, बहुत सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आगे जल्दी से ग्रो कर सकूँ। तो ब्लॉग में बने रहिए। हमारा रक्षाबंधन कैसे बीता? हमारा रक्षाबंधन बहुत ही इमोशनल है मेरे लिए भी, मेरे हस्बैंड के लिए भी, क्योंकि मेरा कोई भाई नहीं है, हम लोग 5 बहन हैं, पर मुझे एक परसेंट भी गम नहीं है कि मेरा कोई भाई नहीं है। मेरी बहनें बहुत प्यारी प्यारी है, मेरी 5 बहन भाई के बराबर है सारी, और मेरी सबसे छोटी वाली बहन है वो मेरी तो भाई है। वो हमेशा लड़कों के जैसा रहती है, लड़कों के जैसा ड्रेस पहना हर कुछ करती है, वो मेरा भाई ही है। और हमेशा जब भी हर साल रक्षाबंधन होता है तो मैं सबसे छोटी वाली बहन को राखी बांधती हूँ, पर अभी उसे बहुत मिस करती हूँ बहुत ज़्यादा। पर भगवान बहुत अच्छे होते हैं, भगवान जी वो कुछ ना कुछ करते हैं जो हम लोगों को खुशी देते हैं, और जो भी गम है उसको भुलाने का कोशिश करते हैं, हमेशा हेल्प करते हैं। तो थैंक गॉड भगवान फाइनली। तो हमारा रक्षा बहुत ही इमोशनल है मेरे हबी के लिए भी, वो आप लोगों को ब्लॉग में पता चलेगा कैसे है क्या है, तो आप लोग ब्लॉग को जरूर देखिएगा। मतलब मैं भी अपनी थोड़ा मैं यहाँ पे इमोशनल हो गई थी वीडियो बनाते बनाते, इसलिए यहाँ का साउंड मैं कट कर चुकी हूँ। तो मैं यहाँ पे नहा के पूजा करके हो गई हूँ रेडी, और मैं फट से आ गई हूँ किचन पे क्योंकि जल्दी जल्दी काम करना था। पर किचन के काम करने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट काम करना था, वो मेरे हबी के लिए उनका राखी का जो थाली है वो सजाना था, जैसे कि अभी आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत इमोशनल पार्ट है हम लोगों के लिए क्योंकि इनकी दीदी है, ये बहुत प्यार करते हैं अपने दीदी से, क्योंकि अब हम लोगों के बीच में है फिर भी हम लोगों के बीच में वो मौजूद है, और मेरे हबी बहुत प्यार करते हैं इनसे। तो वो राखी वगैरह खुद से लाए थे, हमें सारा चीज़ रेडी करके दी थी, और वो उनका पूजा करके खुद से अपने हाथ पे राखी बांधेंगे, जैसे आप लोग सब सारा देख सकते हैं। खुद भी साथे साथ घी से भिंगा लीजिए ना दिया वाला से। खुद भी अच्छा से बड़ा सा, और उसके बाद अच्छा अपना भी चिपका लीजिए ना।
मेरी बेटो और सासुमा। तो सुबह सुबह राखी बांधने का मुहूर्त है, इसलिए सबसे पहले घर में यही काम हुआ, तभी राखी बांध लिए। उसके बाद में यहाँ पे बेटू अपना वॉकर में घूम रही है। और अभी मेरी सासू माँ हो रही है रेडी, जैसे कि आप देख सकते हैं रेडी हो ही चुकी है। और सासू माँ मेरे हस्बैंड निकल रहे हैं अपने नानी घर, मीन मेरे हबी अपने नानी घर, और मेरी सासू माँ अपनी अपने भाई को राखी बांधने के लिए जा रहे हैं। वो दोनों जा रहे हैं अभी हम लोग। बेटा पापा जा रहे हैं। तुरंते आइएगा। दोनों को चले गए खिला रहे हैं मेरे ससुर बेटी के लिए, तो खिला रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद में बेटी को आगे ब्रेकफास्ट खिलाने के लिए पहले फटाफट से, क्योंकि उसका टाइम हो चुका था, क्योंकि मेरे घर आज बन रहा था चिकन, तो 7:30 बजे तक पूर्णिमा ही माना गया था, तो 9 बजे से लगभग घर पे चिकन आया था, पहले नहीं बना था। तो बेटी का टाइम हो चुका था ब्रेकफास्ट का, तो पहले से ब्रेकफास्ट हो गया। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ चिकन, प्याज मेरा सारा कुछ हो चुका था, बस चिकन डाल रही हूँ। हम लोग सावन में एक महीना नॉनवेज नहीं खाए थे, तो बहुत एक महीना के बाद मिल रहा था, तो बहुत ज़्यादा मन कर रहा था जल्दी से बने और जल्दी जल्दी हम लोग खाएँ। और यहाँ पे मसाला भी रेडी है मेरा, बस पीसी नहीं हुई, और इतना चिकन मैं रख दी हूँ क्योंकि मुझे बनाना था चिकन पकौड़ा, इसलिए एक्स्ट्रा रख दी हूँ। और यहाँ पे मेरा फाइनली चिकन लगभग हो ही गया है, जिसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छा बना था। खाना बनने के बाद उसके बाद बेटू के साथ थोड़ा सा मैं टाइम स्पेंड कर रही थी। मैं चिकन पकौड़ा बनाने आ गई हूँ, जैसे आप लोगों को बताई थी कि मैं चिकन एक्स्ट्रा रखी थी, तो इसमें उसी टाइम मसाला बेसन गरम मसाला ये सारे कुछ जो होता है मिला के रख दी थी। और लगभग 2 बजे मैं इसको आई बनाने के लिए, जब अभी घर पे आ गए थे, क्योंकि बेटी को रख के सारा कुछ करना पॉसिबल नहीं होता, वो बहुत परेशान करती है, मतलब उसको गोद में लेना पड़ता है। बहुत टेस्टी बना था और मेरे घर कोई गेस्ट आने वाले थे, इसलिए सारा तैयारी जल्दी जल्दी हो रहा था। ये हमारा बनाया था चिकन पकौड़ा, और पापड़ भी बन चुका था, चावल भी बन चुका था, चिकन ग्रेवी भी बन चुका था। उसके बाद हम लोग निकले घूमने के लिए, जो हम लोग का लोकल है वो लोग जानते होंगे, बूढ़ा महादेव, शाम को लगभग 5 बजे सब कोई आ रहा था, हम लोग जा रहे थे, पूरा खाली हो चुका था वहाँ पर, भीड़ बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि हम लोग इवनिंग में गए थे। हम लोग सोचे कि आज लास्ट है तो शायद नाइट तक रहेगा, पर लेकिन सब कुछ धीरे धीरे बंद हो रहा था। तो ये हमारा रास्ता, ये हमारा सफ़र शुरू होता है, तो ब्लॉग में बने रहिए, ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है इन दिन।
फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच गए। ऊपर जाने के बाद सिर्फ सेल्फी लिए, मंदिर तरफ नहीं गए क्योंकि हम लोग नॉनवेज खाए थे तो अच्छा नहीं होता है। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोग वापस रिटर्न आने लगे क्योंकि बारिश का मौसम क्या हुआ था, बेटू साथ में थी तो बारिश होता, अब हम लोग वेट करते ऐसा हो ही नहीं सकता, इसलिए जल्दी से वहाँ से जितना जल्दी हो फटाफट हम लोग निकल गए वापस यहाँ पे बीते। वहाँ पे पूरा इस तरह से दुकान लगा हुआ था, लगभग सारा दुकान बंद हो रहा था क्योंकि अब तो ख़त्म हो गया था लास्ट सावन था और बारिश भी लगभग आने ही वाला था, पूरा मौसम क्या हुआ था तो कुछ कुछ दुकान था कुछ कुछ बंद हो रहा था। तो फिर मुझे यहाँ पे दिखा एक फुचका ठेला, तो मैं फटाफट से गुपचुप खाने लगी क्योंकि बारिश आने वाला था तो जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो ओके यहीं पे करते हैं एंड। आई होप आप लोगों को ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्यार प्यार कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।